आज हम लोग बात करने वाले यार कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। आपको थंबनेल में दिखेगा, अगर लोग कंपेयर करने वाले इन दोनों ब्रांचेस को बहुत अच्छा से। सिर्फ यही नहीं, कंप्यूटर साइंस के अंदर हम लोग का सीएससी, आईटी, सीएसटी, सीएस, वायरस, इलेक्ट्रिकल के अंदर आते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ट्रिपल ई मीन्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सबको कंपेयर करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से, बहुत अच्छा तरीका से देखेंगे कि आपको हेल्प मिले आगे जाके क्या चूज करना है क्या नहीं। जिसको डिलेमा है कि भैया कंप्यूटर साइंस में इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ चुका है, क्या ये लेना सही है कि नहीं, ये सब कुछ इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो वीडियो को देखो। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है यार कि क्योंकि यार इलेक्ट्रिकल से ही निकला है आपका कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये दोनों बहुत ही कनेक्टिव एक टाइप के हैं, बाकी आप सिविल मैकेनिकल वगैरह जितने केमिकल्स है ये सब बहुत ही डिफरेंट है, बट ये दोनों जो फैमिली है, ये दोनों ब्रांच का जो फैमिली है ना, ये दोनों बहुत ही कनेक्शन में रहते हैं, बहुत ही कॉमन है इन दोनों, मीन्स इन दोनों ब्रांच में बहुत कुछ कॉमन है। इसलिए वीडियो को देखो ध्यान से, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना कि आपको ऐसे ही यूजफुल कंटेंट टाइम टाइम पर मिलता ही रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हाय गाइस, विद दिस साइड वाचिंग इट केडीवी के आज के दिन में बात करने वाले यार कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कंपैरिजन करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख के रखा है यार, बोर्ड में आपको दिख रहा होगा, तो बहुत ही अच्छा तरीके से देखेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को हो सके तो लास्ट तक देखना, और लास्ट वाला वीडियो पार्ट मत छोड़ना क्योंकि इंपॉर्टेंट बात मैं बीच में बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं यार। तो सीएस में, कंप्यूटर साइंस में आपका सीएससी होता है, आईटी होता है, सीएसटी होता है, सीएस होता है। फुल फॉर्म क्या है देख लो यार, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंसेस, ये सब आपको देखने को मिलेगा। आईटी चल जाओ, एनआईटी चल जाओ, बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग ब्रांच देखने को मिलते हैं। बात क्या है, बात ये सब सेम है, इसमें कोई अंतर की बात नहीं है। सीएस में जो वेस्ट बंगाल में आपके बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे ब्रांचेस, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा साइंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारा ब्रांचेस नया नया आ चुका है। ये कुछ है नहीं, ये तरीका है जस्ट आपको सीएस को बढ़ाने का, ठीक है, क्योंकि सीएस में मार्केटिंग होता है ज़्यादा। तो आपको अगर इसके बारे में देखना है वीडियो की क्या क्या पढ़ने मिलेगा क्या नहीं, कन्फ्यूजन है, तो वीडियो आपको इस बगल में दिख रहा होगा, आई बटन में दिख रहा होगा, जाकर देख लेना। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है आपको इस वीडियो में, बहुत अच्छा व्यूज़ भी आया है सबकी तरफ से, तो बहुत ही अच्छा लगा देखने पे। इसलिए मैं इसको भी वीडियो चाहता हूं कि आप इसको भी सपोर्ट करो और शेयर करो कि सबको ये बात भी पता चले। तो बात यहाँ ये है, और ये आपका कंप्यूटर साइंस की बात हो गई। चलो आप इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं। सर, अब बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल वाले फैमिली के बारे में, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होता है एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग होते हैं। ये सारे यहाँ पे इसके फैमिली में आते हैं। देखो यार, यहाँ पे तो कुछ अलग नहीं देखने को मिलेगा अपने को, लेकिन यहाँ पे अलग होगा, ठीक है। इसमें ब्रांचेस में बहुत सारा डिफरेंस है, तो उसको आगे डिस्कस करेंगे कब क्या लेना है क्या नहीं लेना है, आपको क्या सूट कर सकता है क्या नहीं। चलो सबसे पहले बात करते हैं ब्रांच डिफिकल्टी के बारे में। ब्रांच डिफिकल्टी मतलब जब पढ़ेंगे कोर्स को तो कितना डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। तो इसमें बात करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सब में बराबर डिफिकल्टी है, जिसमें जो आप पढ़ रहे हो सारा करिकुलम में जा कुछ फर्क नहीं है। मीन्स नाम का जानबूझ के फर्क बनाया जाए तो अलग बात है, लेकिन ऐसे फर्क कुछ नहीं है। जो बेसिक आपको कंपनीज का रिक्वायरमेंट है सब में सेम ही होता है, और वेस्ट बंगाल में मेजोरिटी कॉलेजेस में सब ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। आपको मैं बता दूं एक टिप भी, और मोस्टली कॉलेजेस में कुछ कुछ ऐसे होंगे किसी को कि किसी कंपनी को चाहिए कुछ पर्टिकुलर ऐसा, बट ऐसा आजकल होता नहीं। आजकल तो बड़े बड़े अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट भी ये सब हटा चुके हैं सबको। अगर आपको आता है स्किल तो आप भरो, आपको बस क्लिफाई करना है, कोडिंग टेस्ट वगैरह सब कर सकते हो तो कर लो, आप सिविल के हो तो भी मिल जाता है यार, इतना बस इतना हो सकता है। तो चलो यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो ब्रांच डिफिकल्टी आपको दिख रहा होगा, कहने का मतलब इसमें थोड़ा कम रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें, और ज़्यादा इसमें, और ज़्यादा इसमें, सबसे ज़्यादा इसमें, क्योंकि अब जितना कोर की तरफ जाओगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक कोर ब्रांच है, जितना आप कोर की तरफ जाओगे तो आपका मैथमेटिकल एप्लीकेशन, आपका जो पुराना ट्रांजिमेंस ट्रेडिशनल कैलकुलेशन, ट्रेडिशनल फार्मूला, ये सब बढ़ जाता है। अब ट्रेडिशनल मतलब जानते ही, और पुराना जमाना की बात है तो वो तो अच्छा खासा हो गई। तो यहाँ पर कोडल प्रोविज़न बहुत कुछ होता है, जैसे कि सिविल में कोडल प्रोविज़न बहुत ज़्यादा होता है, मैकेनिकल में बहुत सारा रहता है, थर्मो वगैरह से बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल्स होते हैं, बड़ा बड़ा थ्योरी होता है। वैसे इलेक्ट्रिकल में भी आपने पढ़ा होगा, 12 में, आप 12 में कंपेयर करके देखो कि 12 में आपने पढ़ा होगा किरचॉफ लॉ वगैरह, तो ये कितना थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता था, अरे समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। वहीं अगर आप अगर नैंड गेट और गेट, ये जो गेट है मॉडर्न फिजिक्स जो था हम लोग का टॉपिक है मतलब, तो वो पार्ट बच्चों को लगता है अरे ये क्या, ये तो चुटकी में उड़ा देंगे, ये तो बच्चे वाला, ठीक है ना। जॉइंट में भी आता है तो आराम से कर देते, जितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाए, तो यही अंतर है। तो वो जो नैंड गेट, एंड गेट, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स का मामला है, और जो किरचॉफ लॉ वगैरह जो इलेक्ट्रिकल का मामला है,
तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि आपको आने वाला समय में ऐसे ही कुछ मिलने वाला है, ठीक है। और ये बहुत अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिसको बच्चा को जो झेल नहीं सकता है, जिसको उतना टेंशन नहीं लेना है, तो इलेक्ट्रिकल नहीं जाना चाहिए क्योंकि थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा। उसको कम्युनिकेशन में जाना चाहिए अगर उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में ही रहना है तो। अब इसका अभी हम लोग देखेंगे इसका मेरिट क्या है, सब कुछ देखेंगे तो डिस्कस करेंगे, देखते जाओ। यहाँ पे है सेम कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब ये सारे ब्रांचेस में यार कंप्यूटर का एप्लीकेशन सेम है। मतलब सीएससी में जितना कंप्यूटर का जरूरत है, ऐसे तो सब में जरूरत तो 100% है, कुछ छूटना तो है नहीं, चाहे कुछ भी करो या कंप्यूटर तो चाहिए, तो सारे ब्रांचेस में चाहे वो ITO CSTO सब में वही होने वाला है। बस नाम अलग है, एक चीज़ नाम अलग अलग, ठीक है। एक बच्चा है, इसको राम भी बोलता है, ध्याम भी बोलता है, धनश्याम भी बोलता है, वही बात है। तो एक बच्चा का उतना सारा नाम है, बस यही हालत है, बच्चा तो एक ही है, वही है। लेकिन यहाँ बात करें तो यहाँ चेंजेस है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब आप जितना इस तरफ जाओगे तो आपका कंप्यूटर का एप्लीकेशन कम होते चला जाएगा। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन दोनों एक ही भाई है, इसमें मतलब कुछ लिखने का कोई बात नहीं था, मैंने लिख दिया बस आप। लेकिन दोनों अगर ब्रांच मिलते दोनों सेम है, कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन में क्या फर्क पड़ता है, कम्युनिकेशन से ही मतलब है, ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन में ओवरऑल सब कुछ में हो जाता है, टेलीकम्युनिकेशन ज़्यादा फोन्स में करता है फोकस। तो ब्रांच की अगर बात कर लेते हैं, सिर्फ ब्रांच तो हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब कि अब जितना जाओगे कोर की तरफ आपका कंप्यूटर का यूज़ कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप कोर ब्रांचेस सिविल मैकेनिकल की बात करते हो और एक बात करते हो आप IT की, तो ये सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में कोर ब्रांचेस है, इसमें कंप्यूटर का एप्लीकेशन उतना रहता नहीं है। वेरस जो ये ब्रांचेस है, जो टेक ब्रांचेस है, ये तो पूरा पूरी कंप्यूटर बेस्ड ही है। और ये दोनों के बीच में आता है एक हम लोग का ECE and ET, ये जो बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, जिसमें दोनों है। मतलब आपका कोर का भी कुछ हिस्सा है और आपका टेक का भी कुछ हिस्सा है। ये एक ऐसा ब्रांच है जिसने कोर को पकड़ के भी रखा है और CS की तरफ जा रहा है, मतलब ये बीच वाला ब्रांच है इसमें। लेकिन यही है कि इसका थोड़ा सा करिकुलम ईजी भी रहता है और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ इसमें दोनों को मिला के, मीन्स दोनों एडवांटेजेस हो जाते हैं इसमें एक तरफ से बोला जाए तो। लेकिन ये नहीं है कि इसका पूरा एडवांटेज इसको मिलेगा और ये भी नहीं कि इसका पूरा एडवांटेज इसको मिलेगा, दोनों का कॉम्बाइन मिलता है। अब देखते हैं सम हार्डवेयर एप्लीकेशंस, सेम हार्डवेयर एप्लीकेशन मतलब इसमें जितना भी आपका मीन्स सॉफ्टवेयर से हट के कुछ बात जो होते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा हट के हो तो सारा में सेम ही रहने वाला, ऐसा कुछ नहीं। और ऐसे भी हार्डवेयर नहीं, यहाँ मेनली सॉफ्टवेयर से ही डील होने वाला है, ठीक है, इसको दिमाग में रखने की बात नहीं। मेन यहाँ पे है कि यहाँ पे आप जितना इलेक्ट्रिकल की तरफ जाओगे तो आपका हार्डवेयर का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। हार्डवेयर मतलब एनालॉगी, आपको जितना भी कनेक्शंस हो, बड़ा बड़ा कनेक्शन हो, ट्रांसफार्मर हो, ये सब जितना चीज है जो कि आपको रियल लाइफ में दिखता है, सॉफ्टवेयर रियल लाइफ में नहीं दिखता। लेकिन आप कोर में जो भी ब्रांच, कोर क्या होता है, कोर ब्रांच एक ऐसा ब्रांच है जो आपको रियल लाइफ में दिखेगा, आप जो करोगे आपको आँख के सामने आपको दिखेगा वो होते हुए। वैसे जो सॉफ्टवेयर ब्रांच है मीन्स आपका जो CS वगैरह है, यहाँ पे आपको वैसा नहीं दिखता है, यहाँ पे वो इमेज है, वो कंप्यूटर के अंदर है, पास समझ में आ रहा, इसीलिए तो उसको देखने के लिए हमको बाहर में तो दिख नहीं सकता है। तो यही अंतर है, देखो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर। तो जितना आप इलेक्ट्रिकल की तरफ जाओगे आपका हार्डवेयर जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, और जितना आप कम्युनिकेशन की तरफ आओगे तो आपका सॉफ्टवेयर का इंप्लीमेंट बढ़ता चला जाएगा, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कॉम्बाइंड है। ये हो गया इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो दोनों ब्रांचेस में अंतर है, ठीक है। तो आप एक ट्रेंड बना सकते हो, CS की तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रिकल की तरफ आएंगे, इलेक्ट्रिकल और CS के बीच में ये सारे ब्रांचेस आते हैं, यहाँ से शुरू करो यहाँ पे आओ तो इलेक्ट्रिकल से CS के बीच में आपको सारे ब्रांचेस मिलेंगे। ये बहुत ज़्यादा कोर ब्रांच है, एकदम हाईएस्ट, ये बहुत ज़्यादा टेक ब्रांच है, मतलब फुल टेक ब्रांच। अब इसके बीच में ऐसे तो ये सारे ही टेक ब्रांच है और इसके बीच में ये जितने हैं, अब जितना जाते जाओगे उस तरफ तो आपका कंप्यूटर का एप्लीकेशन बढ़ता चला जाएगा, इस तरफ जितना आओगे तो कोर का एप्लीकेशन बढ़ता चला जाएगा, और कुछ अंतर नहीं है दोनों में। इसलिए ये दोनों मैंने बोला कि दोनों में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत कुछ कॉमन है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट, फ्यूचर स्कोप, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर स्टडीज, सब कुछ को लेके। तो प्लेसमेंट की अगर बात करें तो CS वगैरह का आपको पता है प्लेसमेंट तो बहुत सही है, ठीक है। लेकिन यही है कि CS वगैरह में प्लेसमेंट तो सही है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा कैंडिडेट है कि अगर आपको कुछ हो गया, मतलब कुछ हो गया मतलब कि अगर आपका परफॉर्मेंस बिगड़ा तो कंपनी आपको हटाएगी और दूसरा को ले लेगी। ऐसा माना जाता है कि CSIT कंपनीज जो होते हैं, जो आपको सर्विस बेस्ड कंपनीज, खास करके इंडिया में अधिकतर सर्विस बेस्ड कंपनीज होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड तो बहुत कम को मिलता है। तो जो सर्विस बेस्ड से TCS वगैरह, इन्फोसिस वगैरह जो कंपनीज हैं, ठीक है, ये जो सर्विपर वगैरह जितने भी हैं, तो ये क्या इनके पास बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय रहते हैं, तो ये जो है रिक्रूट करते हैं बोला जाता है उससे बहुत ज़्यादा ये फायर भी करते हैं बहुत एम्प्लॉयज़ को, तो ये भी एक सिनेरियो है, तो इसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, आप यहाँ पर रुक नहीं सकते। वेरस यहाँ पे क्या होता है, कोर का एक फ़ायदा होता है, कोर में अगर आपको कोर में जॉब मिल चुका है तो उसका रिप्लेसमेंट जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर का फ्रेशर और कोर का एक एक्सपीरियंस वाला जो कैंडिडेट होगा
दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आपने 3 साल कोर में काम किया है, कोर कंपनीज में, तो आपको रिप्लेस करने वाला शायद ही कोई फ्रेशर होगा, फ्रेशर तो सीन ही नहीं है, आपकी इक्विवेलेंट कोई 3 साल वाला एक्सपीरियंस हो तभी वो, और वो मिलना बहुत ही मुश्किल होता है आज के टाइम पे, एक्सपीरियंस कोई मिलता नहीं, फ्रेशर सब घूम रहे हैं। तो इसलिए कोर में ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि अगर आपको मिल गया तो आपको रिप्लेस कोई नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल, आप खुद छोड़ के जाओगे तो अलग बात है। और वैसे इसमें ये प्रॉब्लम, तो जॉब सिक्योरिटी का एक प्रॉब्लम है, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी प्लेसमेंट वाइज देखा जाए तो सब में इसमें सेम प्लेसमेंट है, पर इसमें आपको प्लेसमेंट पता है, जितना आप इलेक्ट्रिकल की तरफ जाएगा थोड़ा सा प्लेसमेंट का आपका जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा, वैसे इसी की तरफ जाओगे तो प्लेसमेंट का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। तो वही बात है, कहने का मतलब जितना आप इस तरफ जाओगे तो प्लेसमेंट का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा एवरेज पैकेज, उधर जाओगे तो कम होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस तरफ आने पे आप, ये जो लोग हैं ये लोग आपका इसके साथ भी बैठ जाते हैं, जब इसके साथ बैठ जाते हैं, जो इनको अगर मान लो 10 LPA का पैकेज मिल रहा है तो ये 10 LPA यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है, इसीलिए इसका पैकेज बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिकल नहीं जा सकता, इलेक्ट्रिकल जा सकता है लेकिन उसको फिर अलग से कोडिंग करना पड़ेगा, और कोर में रह के अलग से पढ़ना बहुत बड़ा माथा में दर्द हो जाता है, क्योंकि कोर का खुद करिकुलम बहुत अच्छा खासा होता है, उसको खुद मैनेज करना प्लस आपको अलग से पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो क्योंकि उतना हार्ड करिकुलम नहीं होता। ये हो गया बात, अपॉर्चुनिटीज़ बात कर ले तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कि हायर में गवर्नमेंट जॉब्स क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब्स का भी सिनेरियो देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स की अगर बात करें तो CS वगैरह में प्रॉब्लम है, आपको पता है बहुत कम वैकेंसी होता है क्योंकि ये टेक है, गवर्नमेंट मेनली कोर से डील करता है, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब आराम से मिल जाता है। और इसमें सबसे अच्छा बात है कि इलेक्ट्रिकल वगैरह में तो गवर्नमेंट जॉब बहुत सही है, आपको मिलेगा ही बहुत अच्छा, एक पर्टिकुलर स्टेट ASC स्टेट PSC वगैरह जो एग्ज़ाम होता है उसमें तो मीन्स इलेक्ट्रिकल का अच्छा सीट निकलता है, वेरस इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सीट निकलता है, यही इसमें बहुत बड़ा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी हर जगह कोर में अपना अपना हिस्सा, लेकिन है सीट बहुत कम मिलेगा आपको। एरस इलेक्ट्रिकल से अगर कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिकल के लिए अगर 10 सीट है तो ECE के लिए आप 2 से 3 सीट मिलेगा, ऐसा रहता है, ऐसा सीनेरियो रहता है, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप इसमें रहते हो ना तो आपको अगर जाने का मन है कि मुझे गवर्नमेंट चाहिए तो जा सकते हो, टेक चाहिए तो जा सकते हो, कोर में रहना है तो जा सकते हो, मीन सब कुछ खुला हुआ है। इलेक्ट्रिकल में वो चीज़ नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इलेक्ट्रिकल भी जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता, लेकिन मुश्किल है थोड़ा, ठीक है, अपना करिकुलम के साथ कोपअप करना मुश्किल होता है, और अच्छा ब्रांच के अच्छा आपको कंपनी चाहिए तो आपको तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना ही पड़ेगा, वही बात है। तो ये हो गया आपका, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट में आपका अगर ESC का एग्ज़ाम होता है, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम, उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सबको क्या लगता है कि ये CS वाले दे नहीं सकते, दे सकते हैं, लेकिन पेपर 4 है, इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल एंड कम्युनिकेशन, ये 4 ही पेपर है। अगर ये CS का कोई भी आदमी बच्चा कोई भी पढ़ सकता है ये 4 तो वो एग्ज़ाम दे सकता है, क्योंकि एनी ब्रांच एप्लीकेबल है। वैसे यहाँ पे आपका ये सबका थोड़ा सा क्या होता है, बेनिफिट होता है, क्योंकि इनका ही पेपर है तो आराम से दे सकते हैं। प्लस इलेक्ट्रिकल लेने पे आपको सिविल सर्विसेज में आपको ऑप्शनल मिल जाता है, अगर आपको बाद में जाके IAS वगैरह बनना है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल पेपर में रख सकते हो, ये आपका बेनिफिट करेगा। वैसे ये सब कुछ नहीं होता, कोर ही होते हैं, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ये 3 ही पेपर होते हैं ऑप्शनल में इंजीनियरिंग सेक्टर में, और बाकी और कुछ नहीं होता। तो ये आपका मीन्स गवर्नमेंट वाला सेक्टर का आपका इन्फॉर्मेशन हुआ। लास्ट में आते हैं हायर स्टडीज़ के बारे में, तो हायर स्टडीज़ में गेट की बात करें तो ये बहुत अच्छा है कि अगर आप कोई भी नॉर्मल कॉलेज में बाई चांस किसी प्रॉब्लम से आपको एडमिशन होता है, जो कि बहुत ही लो लेवल कॉलेज है, Tier 3 कॉलेजेस, लेकिन अगर आपके पास डेडिकेशन है, आजकल तो इतना कुछ कंटेंट अवेलेबल है, तो अगर आप करते हो और गेट क्रैक करते हो डिसेंट रैंक से, और आपको IITs मिल जाते हैं, कोई भी IITs हो टॉप 10 के अंदर आप आ जाते हो, तो आपको जो सीनारी होगा यहाँ से यहाँ चला जाएगा, क्योंकि IITs में जाने के बाद टेक कंपनीज का कमी नहीं होता है, 200-300 कंपनीज ऐसे आते हैं डेली, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे कंपनीज का, वहाँ पे कोर का प्रॉब्लम चलता है, कोर का हर जगह प्रॉब्लम चलता है, लेकिन वहाँ उतना भी नहीं चलता है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे CS का बात कर रहे हैं कि जिसको नहीं मिला उसके लिए फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सही है। ये एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी बन सकता है कि जिसको अगर उतना मेहनत अभी नहीं करना है तो वो गेट में जाके मेहनत करेगा, क्योंकि वहाँ पे अभी के मुकाबले थोड़ा कम, अभी जो IIT आपको क्रैक करना है एडवांस क्रैक करके बहुत ज़्यादा विग्रस अमाउंट ऑफ चाहिए आपको मीन्स नॉलेज, वहाँ पे उतना नहीं चाहिए, वहाँ पे बहुत कम है, एक टायर का एग्ज़ाम भी है। तो ये बहुत सही स्ट्रैटेजी बन सकता है अगर आप चाहो तो। वैसे यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे भी सेम सीनरी गेट में, यहाँ पे भी आप ECE वगैरह में सही है, इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे मीन्स आपको वही है, जा सकते हो। और यहाँ पे एक और फायदा है कि आप इस तरफ जब जाओगे तो आपको PSU का इलेक्ट्रिकल में PSU मिलने का चांसेस बढ़ जाता है जो गेट के थ्रू। यहाँ पे कोई PSU का सीन नहीं है, ये इलाका में कोई PSU नहीं है, हाँ ECE वगैरह में PSU है, ये वाला सेक्टर में सब में PSU हो सकता है, किसी किसी में हो सकता है,
बाकी भी नहीं, बहुत कम होता है। वैसे इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा मिलेगा और यहाँ पे बहुत कम मिलेगा, मीन्स जितना आप इधर आते जाओगे तो पीएससी का सीट कम होता जाएगा। जैसा कि मैंने बताया गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो यहाँ से यहाँ आओगे तो कम होता चला जाएगा, कैब प्लेसमेंट्स की बात करें तो यहाँ से आओगे तो बढ़ता चला जाएगा। ये सिंपल बात बात है, आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये जहाँ अब ये ट्रेंड जो दिख रहा है बहुत ही सही है, आपको समझ में आया होगा। तो आई होप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना। चलो बाय।